अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की हलचल तेज हो गई है। मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम तेज हो गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने विधि विधान के साथ श्रीराम की पूजा की और तैयारियों का जायजा भी लिया। 5 अगस्त को भव्य भूमि पूजन से पहले अयोध्या किस तरह राम भक्ति के रस में डूबी हुई है, ये विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। आस्था के आलोक में चमक रही है अयोध्या, दमक रहा है अयोध्या वासियों का रोम रोम, क्योंकि भगवान राम का होने वाला है राज्यारोहण। कहने के लिए तो प्रभु राम ने 14 बरस का वनवास काटा था, मगर वो त्रेता युग की बात थी। कलयुग में तो प्रभु राम का वनवास बरसों बरस चला, राजनीति भी खूब हुई। अब उस वनवास के समाप्त होने का समय आया है। अयोध्या में राम भक्तों की सांझ प्रसन्नता में सिंदूरी हो गई। श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की घड़ी आ गई है। बरसों तक त्रिपाल में वनवास काटने वाले रघुनंदन विराजने वाले हैं अपने सिंहासन पर। अयोध्या में कहां होगा भूमि पूजन, कहां रखी जाएगी भव्य मंदिर की पहली ईंट, भूमि पूजन को लेकर तैयारियां कैसी हैं? 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो सुरक्षा कैसी रहेगी? इन सारे सवालों की समीक्षा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के पहले योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में उनके दौरे की समीक्षा की। अधिकारियों से लेकर के तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ बैठक की, और बैठक में उस दौर को याद किया जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था और लोगों ने इस दौरान इस मंदिर के लिए कितने अथक परिश्रम किए और आंदोलन किया। योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा से एक बात साफ हो गया कि कोरोना के इस दौर में भले ही लोगों की संख्या सीमित रखी जाए, लेकिन इसका मैसेज काफी बड़ा होने जा रहा है। देश की सियासत में सिरे से लिपटे अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम को त्रिपाल से हटाकर इस लकड़ी के अस्थाई मंदिर में पहले ही पहुंचाया जा चुका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी रामलला के साथ इसी अस्थाई मंदिर में विराज। योगी आदित्यनाथ ने प्रभु राम की विधि विधान से पूजा की, रघुनंदन का वंदन किया, रोली चंदन लगाकर प्रार्थना की। ये संकेत किया कि सभी संत महात्मा लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें और 5 तारीख के पहले 4 तारीख को रात को पूरे मंदिरों में दीपक जलाए जाएं और पूरी अयोध्या को स्वच्छ बना करके दिव्य बना दिया जाए। उस तिथि के पहले 5 तारीख के पहले पूरी अयोध्या को सुसज्जित कर दिया जाए। सीएम योगी ने कागज पर राम मंदिर के अंतिम मॉडल को देखा समझा। भूमि पूजन को लेकर जो भी किंतु परंतु था योगी आदित्यनाथ ने आज सब साफ कर दिया। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या इसकी तैयारी इस रूप में तैयार है। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। पीएम मोदी के आने से पहले 4 से 5 अगस्त तक अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रमों को लेकर साधु संतों के साथ बैठक भी की। उन्होंने मंदिर में लगने वाले पत्थरों को कैसे तराशा जा रहा है इसका जायजा भी लिया। खबर ये भी है कि भूमि पूजन में उन खास लोगों को बुलाने पर विचार किया जा रहा है जो लोग राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में शामिल थे, लेकिन कोरोना के चलते भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त रखी गई है। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुस्लिम कार सेवा मंच के अध्यक्ष ने इसी बीच कहा है कि उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में बिता दिया, अब सपना पूरा होने वाला है और अगर भूमि पूजन में उन्हें नहीं बुलाया गया तो वो सरयू में समाधि ले लेंगे। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2020 को यहां पर शिला पूजन और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, रखा गया है और श्री राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत होगी, उस शुरुआत में हमको आमंत्रित अगर नहीं किया गया तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह राम भक्त श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की तरह से जल समाधि ले लेंगे और अपने जीवन को त्याग देंगे। जीने से बेहतर है मर जाना अगर इस पूजन में हम शामिल ले हुए। वैसे तो राम मंदिर का निर्माण ही
करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जीवन के सबसे अहम मौकों में से एक होगा। पीएम के हाथों से होना इस मौके को और भी खास बना देता है, लेकिन कई लोगों को 5 अगस्त के दिन अयोध्या में पीएम की मौजूदगी पर एतराज भी है। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज है, हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है, ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। सियासत पहले मंदिर के दावे पर थी, अब शिलान्यास पर है, लेकिन राम भक्तों का सारा ध्यान इस समय मंदिर निर्माण पर है। निर्माण स्थल की जमीन कोर्ट के फैसले के बाद ही समतल की जा चुकी है। निर्माण की शुरुआत कैसे होगी, नींव, स्तंभ और मुख्य ढांचा किस तरह से तैयार होगा, ऐसी तमाम बारीकियां सीएम योगी ने खुद मौके पर पहुंचकर समझे। अब प्रतीक्षा 5 अगस्त की है, जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और ये तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कुमाराभिषेक, लखनऊ आज तक। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की तरंग संतों में उमंग और आस्था का रंग दंग करने वाला है। आस्था की टकसाल में चमकाया जा रहा है श्री राम के नाम का सिक्का। अयोध्या में साध्य साधक और साधना रोमांचित कर रही है। इन दिनों अनगिनत भावों से भरी हुई है राम की नगरी। श्री राम के नाम का उद्घोष करते संतों में मंदिर निर्माण को लेकर किस तरह की भावना है, कितनी प्रसन्नता है, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के दर्जनों साधु संत जो यहाँ रहते हैं, देश भर में घूमते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि मुहूर्त को लेकर के काफी कुछ चर्चा चल रही है, महाराज जी ये बताइए कि चर्चा कई लोगों ने ये शुरू की कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, और यहाँ पर भी तैयारियाँ हमें दिखाई दे रही। देखिए ये तो जो है जो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिए हैं कि मुहूर्त नहीं है, तो ऐसा है कि उनको ये ध्यान होना चाहिए कि फरवरी मार्च से ही मंदिर के कार्य चल रहा है, और जिस ये तो नए चीज़ होता है तो उसके लिए जो है ना मुहूर्त देखा जाता है, तो एक औपचारिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने के एक औपचारिकता किया जा रहा है। ये भूमि पूजन जो है ये तो मार्च से ही वहाँ का काम चल रहा है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से भव्य मंदिर की बात हुई और अब मंदिर में बदलाव भी किए गए, पहले से बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, क्या कहें? ये तो बहुत अच्छा, और भी जितना बदलाव हो सका अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी की हार्दिक इच्छा भी थी। और ये एक मंदिर तो नहीं है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। इसमें जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो अपने अपना सलाह दिए, ये तो अच्छी बात है, और जमीन भी पर्याप्त मात्रा में, अच्छा भव्य मंदिर निर्माण अच्छी बात है। अच्छी बात। आप लोगों को लगता है कि मुहूर्त को लेकर के बहुत चर्चा नहीं होना चाहिए? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा, कौन कहता है कि मुहूर्त अच्छा नहीं है? बहुत साल से इंतजार था इसी उत्साह को देखने के लिए, उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है भगवान का प्रति। साधु संतों में बहुत उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है, सब हम लोग खुश हैं, साधु ही संत ही, यहाँ के अयोध्या के सब लोग, पूरे देश ही खुश है। आप बताइए कि लगातार आप लोग कहते रहे थे कि जल्दी बने जल्दी बने जल्दी बने, अब आप लोगों की जितनी इच्छा की पूर्ति है, जितनी इच्छा थी उसकी पूर्ति हो? जी बिल्कुल, अब जो है कहते हैं ना कि अब वो समय वो दिन आ गया है कि हम लोग बहुत जल्दी साल दो साल में भव्य मंदिर का जो हम लोग का आकांक्षा था, हमारे जो संघर्ष करने वाले तो चले गए। अयोध्या में है, ये खुश हैं कि इनकी बातें मान ली गई हैं, ट्रस्ट ने भी मान ली है, जो पुराना विश्व हिंदू परिषद का मॉडल था उसकी जगह भव्य राम मंदिर का मॉडल सामने आ चुका है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।